अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष महिपाल गोदारा के साथ ही चारों पदाधिकारी विभिन्न समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। महिपाल गोदारा ने बताया कि एमडीएस यूनिवर्सिटी में नियमित रूप से क्लास नहीं लग रही, खेल की सुविधाएं भी नहीं है और साथ ही बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल की भी अपनी अलग परेशानी है। इन समस्याओं को लेकर जब से वो चुनाव जीते हैं तब से अधिकारियों को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। समय समय पर रिजल्ट तक नहीं आ रहे, जिस कारण यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भर्तियों में शामिल होने की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिस कारण मजबूरन एमडीएस यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के निदान की मांग रखी है। यूनिवर्सिटी में लेट आने वाले शिक्षकों और प्रोफेसर को भी खरी खोटी सुनाई गई। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी मांग पर जब तक विचार करते हुए सुनवाई नहीं की जाएगी वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। नियमित रूप से कक्षा चलें, सभी शिक्षक परमानेंट रूप से आएं, स्पोर्ट्स की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, सफाई के साथ ही बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्थाएं सुचारू हो और ऐसी सभी समस्याओं का समाधान जल्द होना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों से संबंधित, खेल से संबंधित, यूनिवर्सिटी के मतलब जो प्रशासन है वो मतलब एक आराम से वीआईपी रूमों में सो रहा है, उनको स्टूडेंटों के लिए कोई फिक्र नहीं है। यहाँ की हालत देखें तो शिक्षा का स्तर जीरो हो रहा है, यहाँ प्रोफेसर नहीं है, वैकेंसी नहीं हो रही है। काफ़ी प्रोफेसर अभी इस महीने के अंदर मनोज सर जो भी थे, दो चार बहादुर साहब, वो रिटायरमेंट हो गए। इसके बाद काफ़ी डिपार्टमेंटों के प्रोफेसरों के पद खाली है, एचओडीओं के। तो यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, एक प्रोफेसर के पास चार चार डिपार्टमेंट, DSW, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इतनी जिम्मेदारी कारण वो स्टूडेंटों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी गैस फैकल्टी के भरोसे चल रही है और विद्यार्थियों से ऊपर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो भारी भरकम फीस ली जा रही है। तो हमारा निवेदन है ये, तो आप यहाँ वैकेंसी करो या विद्या संबल योजना चल रही है उसको लागू करो ताकि बच्चों को रात शिक्षा तो उस शिक्षा तो मिले। आधुनिक शिक्षा की सोच रहा है भारत, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन धीरे धीरे शिक्षा के स्तर से जीरो हो रही है। तो हमारा सबसे मुद्दा है यहाँ प्रोफेसर की वैकेंसी होनी चाहिए, सेल्फ फाइनेंस कोर्स को हटाकर रेगुलर में बदला जाए और यहाँ की बॉयज हॉस्टल काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी है। गर्ल्स हॉस्टल खोल दी लेकिन उससे भारी भरकम फीस है, उसकी दीवारें टूट रही है, कहीं करंट आ रहा है, तो ऐसी स्थिति है। खेल ग्राउंडों की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि कोई भी, और ना यहाँ पर स्पोर्ट के नाम पर जीरो है। यहाँ के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कैंपस के विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल का है कि यहाँ पर कोई स्पोर्ट में भाग नहीं ले पा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट जो होता है शिक्षक वो नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इनको काम को करे, नहीं तो हम चारों पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ठीक, आपका नाम? महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष।